हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। जिसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। लगभग देर आर नियरली 35 क्वेश्चंस, राइट। तो थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, एक से डेढ़ घंटा लगने वाला है, बट एक ही लेक्चर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर वन बेसिक क्वेश्चन है, पीएमटी 2002 में पूछा था। चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, द फोर्स ऑन इट इज। तो हमें पता है कि जो एक चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगता है, एक लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक लगता है मैग्नेटिक फोर्स, राइट। एंड ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू होता है कितना होता है, क्यू इंटू ई वेक्टर, प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, Q into V cross B। तो ये ऑप्शन B आएगा करेक्ट वन। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज, क्या नाम है इसका, लॉरेंट्स फोर्स। क्या नाम है इसका, लॉरेंट्स फोर्स, राइट। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लगता है, एक होता है इलेक्ट्रिक एक होता है मैग्नेटिक। उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, ए आई पी एम टी 2006 में पूछा था। वेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी V सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B, द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसका वैल्यू क्या है, देखो क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। अभी उसके पास चार्ज है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, बचा कौन, थीटा। चलो अगर थीटा का मैं वैल्यू में 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन 0 क्या आ जाएगा, 0, साइन 180 क्या आ जाएगा, 0। तो बोला क्या है, द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो। इसका मीनिंग है फोर्स कब जीरो होगा, जब थीटा का वैल्यू एक तो 0 डिग्री है नहीं तो 180 डिग्री है, इसके अलावा और कुछ भी थीटा का वैल्यू पुट करो विद इन 0 to 360, तो 0 को 180 को 360 को क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू 0। तो इसका मीनिंग है एंगल बिटवीन वी एंड बी कैन है वैल्यू अदर दैन 0 and 180 डिग्री, तभी वो फोर्स क्या होगा, नॉन जीरो होगा। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया, देखो अगेन वही फॉर्मूला है, पीएमटी 2009, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज, कितना दिया है चार्ज, -2 माइक्रोकूलम। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 2 टेस्ला। वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो वो 2j कैप है क्योंकि पॉजिटिव वाई में जा रहा है। एंड व्हेन द पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी कितना, 2i + 3j कैप है × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे बोला है कि बोलो मैग्नेटिक फोर्स, तो आपको अगेन फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, V क्रॉस B फाइंड करेंगे। तो ये देखो जो V वेक्टर, V क्रॉस वेक्टर B है, कैसे सॉल्व किया जाता है, मॉड ऑफ I कैप J कैप K कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। V वेक्टर देखो क्या दिया है, 2 एंड ये क्या है 3 एंड K तो 0 है। एंड B वेक्टर क्या दिया है, J का कंपोनेंट 2 है बाकी 0 है। अच्छा वो V के साथ 10⁻⁶ भी है, उसको याद रखना अच्छे से। तो ये I वेक्टर इंटू 0 - 0 माइनस J वेक्टर इंटू क्या आएगा, 2 - 0। अरे सब कुछ 0 आने वाला है क्या, एक मिनट ना, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर गलत लिखा ना मैंने, ये B वेक्टर क्या है, ये 2 है ना यहाँ पर, तो J वेक्टर तो 0 आएगा प्लस K कैप क्या आने वाला है यहाँ पर, K कैप इज 2 - 4, 4 - 0। तो ये आपका V क्रॉस B का वैल्यू आ गया 4 K कैप, वो देखो वो भी है 10⁻⁶, उसको भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है कि F वेक्टर इज इक्वल टू Q कितना है, Q है -2 × 10⁻⁶ एंड ये क्या है 4 × 10⁻⁶ K कैप। तो ये 10⁻⁶ चला गया तो ये आएगा -8 K कैप, मतलब उसका अभी देखो उसने डायरेक्शन के साथ पूछा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 N - K कैप। अच्छा मैग्नीट्यूड 8 N है तो 8 N वाले 3 ऑप्शन है, माइनस के कैप मतलब क्या होता है, माइनस जेड डायरेक्शन, तो 8 N इन माइनस जेड डायरेक्शन, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट आई एट द इंस्टेंट व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू एट अ पॉइंट पी हैज अ वेलोसिटी एज शोन, द फोर्स ऑन द चार्ज इज। ओके, तो ये अगेन मैग्नेटिक फोर्स का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्शन पूछा है।
तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं आप लोग? एक तो आप लोग राइट हैंड रूल यूज़ करो, नहीं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करो। राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे हो तो देखो क्या है, सिंपल बेसिक जैसे आप लोगों ने वेक्टर के अंदर पढ़ा था कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो ये वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे हो तो कैसे करोगे आप लोग, आपका जो पाम है वो जो आपके पाम है फर्स्ट वेक्टर पे रहेगा एंड टर्न यूर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज बी वेक्टर, देन थंब क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नहीं तो आपको अगर ये वाला यूज़ करना है तो ये क्या होता है, एफ बी आई, राइट, ये होता है फोर्स, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ये होता है चार्ज का डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो क्या है कि बोला है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इन्फाइनेटली लॉन्ग जिसमें करंट जा रहा है किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे कहाँ पे आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आने वाला है, हमें सिर्फ फोकस करना है डायरेक्शन के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, नाउ चार्ज के ऊपर देखो जो वी वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, तो चार्ज पॉजिटिव वाई में जा रहा है वी वेलोसिटी के साथ, राइट। तो उधर अपना क्या हो गया, अभी ये सारे फिंगर उस डायरेक्शन में चले गए। नाउ टर्न यूर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर बी के डायरेक्शन में, तो आपका थंब किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किधर है, ऊपर है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, मतलब ओ ए के डायरेक्शन में अलॉन्ग ओ वाई है। अच्छा इससे करके देखते हैं, एफ बी आई, देखो बी किधर है, अंदर है, करंट किधर है मतलब चार्ज किधर जा रहा है, राइट में, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, तो अलॉन्ग ओ वाई। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पीएमटी प्री 2011 का क्वेश्चन है। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टन रीजन। तो देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ सच रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देन द इलेक्ट्रॉन, ओके। तो देखो क्या है, यहाँ पर एक चार्ज है, इसको प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी वी, पहले चार्ज ले लो बाद में इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो सबसे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक भी लगेगा एक मैग्नेटिक भी लगेगा। पहले मैग्नेटिक देखो, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी और क्यू इंटू वी बी साइन, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वी एंड बी, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, जीरो डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू तो जीरो आएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का कुछ काम है ही नहीं, राइट, बचा कौन अभी, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो और एक डायग्राम बना, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है एंड इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, ये जा रहा है इधर वी वेलोसिटी के साथ। अभी हमें पता है कि ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, क्यू इंटू ई लगने वाला है। अभी देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने वाला है। पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। बट अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो इसके ऊपर अगर मैं मान रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, ई इंटू ई। तो ये चार्ज आ रहा है राइट में, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, मतलब उसका स्पीड क्या होगा, घटेगा, तो इट्स स्पीड विल डिक्रीज, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। अच्छा यहाँ पे प्रोटॉन अगर गिवन होता तो उस केस में क्या होगा, स्पीड विल इंक्रीज आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, देखो अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल दिया, हाँ, एंड द सेम मैग्नेटिक फील्ड इज मेंटेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव, ओके। तो देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया और उसने बोला है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा था, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा, तो ये ई है, ये चार्ज है और ये इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी वी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल दिया, अभी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, एफ बी आई, बी अंदर है, वेलोसिटी राइट में है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, उसकी वजह से ये पार्टिकल क्या होगा, सर्कल में घूमेगा,
राइट right. तो सर्कल में घूमेगा मतलब ये क्या आएगा, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन. राइट, इसमें भी दो पॉइंट आप लोग याद रखना कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा, एंड नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स नीचे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स. हाँ, ये अच्छे से याद रखना. हालांकि यहाँ पर डजंट मैटर, उसने ऑप्शन सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट दिया है ना, तो सर्कुलर ऑर्बिट ऊपर लगने दो नीचे लगने दो, सर्कुलर ऑर्बिट ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 7, पीएमटी मेंस 2010, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखो मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगता है. डिटेल में अगर आपको सिंपल एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा ये फॉर्मूला भी अच्छे से पता है ना, डिटेल में हर एक पॉइंट का मीनिंग कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे कैसे वैरी होता है, अगर आप लोग एंगल चेंज करोगे तो ही आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. देखो क्या दिया है, पार्टिकल ऑफ मास चार्ज ऑन द पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी, तो मास है चार्ज है वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो उसने क्या बोला है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक चार्ज है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी. उसने बोला है टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन इट इज नेसेसरी दैट. तो देखो पार्टिकल कंपलसरी कहाँ जाना चाहिए, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, उसके ऊपर फोकस करना. तो पार्टिकल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रहा है, उसने ऐसा कुछ बोला है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, वेरिएबल वेलोसिटी चाहिए, सिर्फ हॉरिजेंटल बोला है. तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आने वाले हैं कि पार्टिकल इज मूविंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी. राइट, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर. अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब उसके ऊपर का जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, जीरो आएगा. उसके ऊपर का नेट फोर्स कितना आएगा, यहाँ पर क्या होगा, नॉन जीरो होगा. कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फोर्स जीरो, एंड नॉन वी इज वेरिएबल मतलब क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा. बट वो फोर्स जीरो नॉन जीरो जो भी हो वो आपको सिर्फ देखना है, अगर फोर्स लग रहा है तो मेक श्योर दैट कि वो फोर्स अलोंग हॉरिजेंटल ही लग रहा है, वर्टिकल वगैरह लगना नहीं चाहिए. तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो फोर्स नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, एंड अगर फोर्स लग रहा है तो सिर्फ वो कहाँ लगेगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में. तो आते हैं फिर ऑप्शन ए पे. एक एक ऑप्शन को पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. तो ये वाला देखो क्या दिया ऑप्शन है, बी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो देखो ये दी जा आपका ये जा रहा है चार्ज इधर, उसने बोला है बी शुड, एक मिनट, हाँ उसने क्या, ये चार्ज है, उसने क्या बोला है, बी शुड बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो बी अंदर जा रहा है मान लो, परपेंडिकुलर हो गया. ई शुड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो अभी ये ई इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर देखो यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. अभी इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इसके ऊपर, इसी डायरेक्शन में, दैट इज क्यू ई. एंड मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, एफ बी आई, बी अंदर जा रहा है, वेलोसिटी इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, तो ये इसके ऊपर इधर लगेगा, दैट इज क्यू वी बी, मतलब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं. एंड ये जाएगा किधर, ये दोनों के सेंटर में जाएगा ऐसे. तो दिस इज अ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तो नॉन जीरो है बट हॉरिजेंटल में है क्या, नहीं. मतलब ये आपका ये जो पहला ऑप्शन ए है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये तो गलत दिया है. राइट, चलो ऑप्शन बी पे आते हैं हम लोग. बोथ ई एंड शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेक करते हैं. तो बी इधर है, ई भी इधर है, एंड आपका ये जो क्यू है ये इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी वी. अभी देखते हैं क्या क्या होगा. तो इसके ऊपर देखो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, एफ ई का वैल्यू, दैट विल बी क्यू इंटू ई. एंड मैग्नेटिक फोर्स देखो, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा. जब वी एंड बी पैरेलल है तो थीटा तो जीरो होगा, थीटा जीरो मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा. तो इसका मीनिंग क्या है कि पार्टिकल के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, मतलब ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है. राइट, तो ये तो आ गया. ऑप्शन सी पे आते हैं अभी. बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. चलो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर. चारों ऑप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि ऐसे लग रहा है आंसर नहीं, दो आंसर है ना यहाँ पर, दो ऑप्शन है. तो देखते, एक तो मिला है,
ऑप्शन सी पे दे आते हैं हम लोग। बोथ ई बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो देखो क्या दिया है, ये आपका चार्ज इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी वी, अभी ये आपका बी तो अंदर जा रहा है राइट, बाद में ई इधर जा रहा है ऐसे मान लो। अभी देखो वेलोसिटी राइट में है एक्स में, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है एंड बी किधर है जेड में राइट, एंड अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये केस थोड़ा अच्छा है अच्छे समझ के लेना। तो बी ई एंड आपका जो वी है ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स देखो किधर लगेगा, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा। मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं एफ बी आई, बी अंदर वी इधर फोर्स ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स भी किधर लगा, ऊपर लगा। तो फोर्स तो नॉन ज़ीरो है, फोर्स नॉन ज़ीरो है, बट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहा है क्या? नहीं। इसका मीनिंग है कि ये भी आपका ऑप्शन गलत लग रहा है राइट। ये एक पॉसिबिलिटी हुआ, और एक पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पर सी का ही कैसे हो सकता है। इसको मैंने प्रोजेक्ट किया वी वेलोसिटी के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ही है बट मैं मैग्नेटिक फील्ड को बाहर मानता हूँ। अभी देखो क्या चेंज होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा राइट। मैग्नेटिक फोर्स देखो अभी एफ बी आई, बी किधर है, बाहर राइट। अभी ये आपका जो ये कैसे एफ बी आई, हाँ ये ऐसा आएगा, बी इधर है बाहर, बाद में वी इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये इधर जा रहा है पहले से वी वेलोसिटी के साथ। अभी देखो, अच्छा अभी देखो कि जो मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों लग रहे हैं उसके ऊपर, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दोनों का अगर इफ एफ एम इज इक्वल टू एफ ई है तो इसका मीनिंग क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो होगा। एक पॉसिबिलिटी है ना, तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो हमें पता है कि नेट फोर्स जीरो मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो ऑप्शन सी भी क्या आएगा यहाँ पर, करेक्ट आएगा राइट। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी को पहले तरीके से सॉल्व किया तो आंसर नहीं आएगा, दूसरे तरीके से सॉल्व किया, तो ये दो पॉसिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। चलो ऑप्शन डी पे आते हैं अभी, बी शुड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओके, एंड ई शुड बी परपेंडिकुलर, ई शुड बी परपेंडिकुलर, तो ये तो होगा ही नहीं, हम लोगों ने देखा ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी क्यू इंटू ई, बट वो तो ऊपर आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, जीरो, तो इसके ऊपर फोर्स नॉन जीरो है, बट अलॉन्ग हॉरिजेंटल है क्या, नहीं ये ऊपर है, मतलब ऑप्शन डी गलत है। तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। समझे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट इज पॉसिबल, तो स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी इज पॉसिबल। समझे ना, अच्छा है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अभी यहाँ से आपके स्टार्ट होता है बेसिकली ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन, दैट इज साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन। साइक्लोट्रॉन के अंदर एक ही याद रखना है तुम्हें, देखो इसके आगे वाले आई थिंक सारे क्वेश्चन यही है साइक्लोट्रॉन के। एक चार्ज पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया वी वेलोसिटी के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ये सर्कल में घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, तो इसके ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स कितना लगेगा, एफ सी पी इज इक्वल टू क्या है, एफ मैग्नेटिक, और ये क्या आएगा, एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। बस यही फार्मूला को याद रखो, मल्टीपल क्वेश्चन तुम लोग इससे सॉल्व कर सकते हो। तो बोला क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज ओके, तो पहले टाइम पीरियड फार्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इतना याद रखो, वी वी चला गया तो वी बाय आर इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बी बाई एम आएगा। अच्छा वी बाय आर को ओमेगा लिख सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, टू पाई बाई टी है, इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई एम बाई क्यू बी। इसके ये यही फार्मूला के ऊपर आगे तीन चार क्वेश्चन पूछे गए, तो टाइम पीरियड सिर्फ तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, मास, चार्ज एंड बी, वो ना आर के ऊपर डिपेंड करता है ना वी के ऊपर, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9, देखो सेम क्वेश्चन है पीएमटी 2009 का, कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ वी एंड आर राइट। शायद इसके पहले वाला 2006 का क्वेश्चन था, ये 2009 का क्वेश्चन था। यहाँ पर ये क्वेश्चन अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, देन द
हमें तो स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल रिमेन अनचेंज, एक्सेलरेशन रिमेन अनचेंज, वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। तो अच्छा देखते हैं। देखो एक पार्टिकल, ये बेसिकली सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। एक पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा, मतलब ये गलत है, राइट? वेलोसिटी, अच्छा डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, मतलब ये गलत है, बी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखो, वेलोसिटी रिमेन्स, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, बट ये अगर पार्टिकल सर्कल में है तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली तो चेंज होगा ही, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, मतलब ये वेलोसिटी चेंज होगा, तो ऑप्शन बी डी भी नहीं आएगा। बचा सी, एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज, एक्सेलरेशन तो चेंज हो ही रहा है ना, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, गलत है। तो बचा कौन, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, राइट? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। ये भी आई थिंक दो बार क्वेश्चन पूछा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 11 में, एंड पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग मास एम, काइनेटिक एनर्जी ई, एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलरली। तो बी परपेंडिकुलर है, मतलब वही साइक्लोट्रॉन वाला क्वेश्चन। क्या याद रखना है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले सॉल्व किया था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/qb होता है, तो फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो qb/2πm, तो qb/2πm, देखो qb/2πm ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। हालांकि उसने इलेक्ट्रॉन बोला है, तो q का वैल्यू क्या आएगा, e आएगा, सही है ना। चलो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये आपको 3.57 × 10⁻², ई बाई एम का रेशो दिया आपको 1.76 × 10⁻¹ कूलम पर किलोग्राम, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज, इसके पहले वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा था, अभी क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी कितना। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला का टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, qb/2πm। तो देखो यहाँ पर 1/2π तो हमें पता कितना है, q/m तो उसने दिया है, b भी दिया है, तो इसको सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, राइट? सॉल्व करके आंसर कमेंट करना, आजकल तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज PMT pre-2012 का क्वेश्चन है। एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर वी दिया है, वो वेलोसिटी नहीं है, इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज ऑफ अ साइक्लोट्रॉन दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स, द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इन द, हाँ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। वो वी क्या दी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ ही सिंबल यूज करूँगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं हमारे पास तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, वो टाइम पास करते बैठेंगे नहीं हम लोग। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला एफ क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, तो ये आएगा eb/2πm, राइट? तो उसने बी पूछा है, तो बी क्या आ जाएगा, 2πmf/e, तो 2πmf/e ए में है, डी में है, मतलब ऑप्शन बी एंड सी तो नहीं है। बचा भी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब ये वी स्क्वेयर क्या होता है, देखो वी स्क्वेयर, वी एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू वी बी, राइट? तो ये जो है आपका क्या क्या है यहाँ पर, तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, वी वी चला गया, v का वैल्यू क्या आएगा, qbr/m। अच्छा इसको यहाँ पे पुट करो, तो ये क्या होगा, हाफ m, ये q square b square r square divided by m square आएगा, mm कैंसिल हो गया, तो ये तो आ जाएगा ऑप्शन। देखो काइनेटिक एनर्जी में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, देखो कौन कौन है, चार्ज नहीं है काइनेटिक एनर्जी में, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी भी नहीं है, ओके मास है, बी नहीं है, तो बी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, बी का वैल्यू पुट करता हूँ, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ऊपर सॉल्व किया था 2πmf/e है, राइट? तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, हो गया मिला आंसर, वो चार्ज कैंसिल होगा यहाँ पर, हाफ चार्ज ई है, क्यू स्क्वेयर
डिवाइड बाय ई एम, बी कितना है आपके पास 2πmf डिवाइडेड बाय ई इसका स्क्वायर, अरे बाप रे, इनटू आर एस स्क्वायर। तो ये देखो ई स्क्वायर तो कैंसिल होगा, ये क्या आएगा हाफ, ई कैंसिल हुआ, ये आएगा 4π स्क्वायर, एम बी कैंसिल होगा, एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, तो ये क्या है आर स्क्वायर। तो ये 2m π स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर, 2m π स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर, देखो ऑप्शन 2m π स्क्वायर एफ स्क्वायर ऑप्शन डी में है क्या? अरे ऑप्शन ए एंड डी सेम ही है क्या? ओके 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 ओके, ऑप्शन ए एंड डी तो सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ तो फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे समझ में कोई भी एक उठा लो, सही है दोनों सही है यहाँ पर, हालांकि ऐसे नहीं था एक्चुअल में एग्जाम में, कुछ तो एक ही आंसर दिया था उसने, तो दोनों सेम है। चलो आगे बढ़ते, शायद ये किसी ने तो कॉपी पेस्ट करके ऐसे ही रखा, उसको चेंज नहीं किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट ओके आर एक्सेलरेटेड बाय कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस वी, दे इंटर इनटू अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, दे डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ, देन देयर मास रेशियो इज ओके। तो एक दो चार्ज पार्टिकल है, एक मान लेता हूँ, एंड कॉमन पोटेंशियल के साथ उसको क्या किया है, एक्सेलरेट किया है। तो दे इंटर इनटू अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, सर्कुलर पाथ, सर्कल में घूम रहे वो लोग ओके। अच्छा कितना वेलोसिटी उसने दिया नहीं है, देखो देखते हैं। तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू ही बी है, वी वी चला गया। तो उसने पूछा क्या, देखो यहाँ पर मास पूछा है ना, मास रेशो, तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय वी आएगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। तो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हालांकि इनिशियल रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो वर्क क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। अभी देखो दोनों पार्टिकल के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वी 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 कैसे लिखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q डेल्टा v डिवाइडेड बाय मास, सही लिख रहा हूँ ना, चेक करना ओके। तो ये अच्छा मास ऐसा है क्या, यहाँ पर भी मास आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मास को वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, हमें लेके जाएंगे हम लोग। पहले वेलोसिटी का रेशियो निकाले क्या है हम लोग, यहाँ पर वेलोसिटी को लेके जाते हैं इंस्टेड ऑफ मास, बट मास तो आगे लगने वाला है हमें, चलो यहाँ पर पुट करता हूँ। तो मास इज इक्वल टू मास इंटू एक मिनट, मास इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइड बाय वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट ऑफ 2q डेल्टा वी डिवाइडेड बाय मास है। तो एक काम करो, अभी काम क्या करेंगे, ये जो मास है रूट वाला मास उसको इधर लेके आओ, बाकी उसको वैसे ही रहने दो, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2q डेल्टा वी। अच्छा ये जो बाहर मास है उसको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओगे तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर होगा, मतलब अंडर रूट ऑफ एम बचेगा, ये आएगा क्यू बी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2q डेल्टा वी। तो इसको स्क्वायर करोगे तो यम इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2q डेल्टा वी। अभी ये एम इज इक्वल टू क्यू कैंसिल हो गया, तो क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा वी। हाँ अभी देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उसने देखो क्या क्या कॉन्स्टेंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड उसने कॉन्स्टेंट दिया है, दे डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, डेल्टा वी कॉन्स्टेंट दिया है, एंड टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, मतलब क्यू का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, तो क्यू कॉन्स्टेंट, बी कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट, डेल्टा वी कॉन्स्टेंट, तो यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वेयर। तो यम वन बाय यम टू का वैल्यू क्या आएगा, आर वन बाय आर टू का स्क्वेयर, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, समझे ओके। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ये थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन हुआ, सॉल्व करना पड़ा बहुत सारा। हाँ ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक आपके एग्जाम में। अब प्रोटॉन, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूविंग एट अ राइट एंगल टू द फील्ड इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर इज इक्वल. हाँ ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दी है आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा है, बाद में रेडियस दोनों का इक्वल दिया है. तो पहले देखते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है. तो वी नो दैट एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो एम वी बाय आर इज इक्वल टू क्यू बी. तो आर का वैल्यू क्या आएगा, क्यू बी बाय एम वी आएगा. ये क्या करो, इसको पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो. तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है. हमें वेलोसिटी पता नहीं है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन के मास पता है. तो वेलोसिटी क्या आएगा यहाँ पर, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम काइनेटिक एनर्जी. उसको पुट करो तो आर इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय अंडर एम अंडर रूट ऑफ टू एम ई आ जाएगा. तो ये आर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, सही कर रहे हैं क्या हम लोग, टू एम वी बाय क्यू बी आएगा ना. वही तो सोचे हैं हम लोग कि आर इज इक्वल टू, उल्टा ही कर रहा था मैं, एम वी बाय क्यू बी है. तो ये एम, ये आपके पास जो इसको क्या, चलो इसको एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम क्यू बी लिखता हूँ ऐसे, राइट. नहीं, इसलिए क्यों टफ कर रहा हूँ मैं, सॉल्व तो किया है हम लोगों ने. तो चलो देखो यहाँ पर कहाँ गया रेड कलर, ओके. तो आर इज इक्वल टू एम वी, कितना है आपके पास, अंडर रूट ऑफ टू एम काइनेटिक एनर्जी है डिवाइडेड बाय क्यू बी है. तो आर इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ टू एम क्यूब ई डिवाइडेड बाय क्यू बी है, राइट. तो ये जो लेफ्ट साइड में गलत किया तो उसको मिटा दो यहाँ से, जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती है. चलो हाँ तो आर मिला, उसने बोला अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन का रेडियस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बाद में कुछ दिया है क्या, नहीं. तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि आपका, अच्छा काइनेटिक एनर्जी भी है, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कुछ तो मिसिंग है मुझे अभी भी लग रहा है. ओके चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये क्या है, अंडर रूट ऑफ एम क्यूब आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू आएगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ई आएगा, राइट. ओके तो ये दोनों का क्या कहते हैं, रेडियस तो सेम है, आर पी इज इक्वल टू आर अल्फा है. तो अंडर रूट ऑफ मास क्यूब ई डिवाइडेड बाय, अच्छा ये ऐसा नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या है, क्यू अंडर रूट ऑफ मास क्यूब ई डिवाइडेड बाय क्या है, ये क्यू है. लेफ्ट साइड में किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, राइट में अल्फा के लिए. तो प्रोटॉन का जो मास है एम है, उसका एनर्जी ई पी है, मान लो ई मान लो, उसके ऊपर जो चार्ज है वो ई है, अरे ये रूट में क्यों लिखा मैंने, वो क्या आएगा, ई आएगा. इज इक्वल टू जो आपका अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4m, तो ये 4m का क्यूब आएगा इनटू ये अल्फा पार्टिकल का एनर्जी ई, एंड उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2e होता है. याद रखो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है, चार्ज क्या होता है, 2e, वेयर m इज मास ऑफ प्रोटॉन. तो ई तो कैंसिल हो गया, इसको स्क्वेयर करो तो स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा, एम क्यूब ई इज इक्वल टू 4 का, ये कितना आएगा, 4 का क्यूब मतलब 64 एम क्यूब इंटू ई अल्फा डिवाइड बाई 2. एम क्यूब चला गया तो ई अल्फा का वैल्यू क्या आ जाए, मुझे लग ही रहा था कुछ तो हम लोगों ने गलत किया, 2e बाई 64 है, ये नहीं है रे, कुछ तो गलत किया है. क्या गलत किया है ये, तुम लोग इसको रहने दो ऐसे ही, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तुम लोग सॉल्व करना, सेम क्वेश्चन है वहाँ पे अगेन में हम लोग देखेंगे डिराइव करके. आयनाइज हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स विद द सेम मोमेंटा एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड टू अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड द रेशियो ऑफ रेडिया. तो एम वी बाय आर इज इक्वल टू, क्या गलत किया होगा हम लोगों ने वहाँ पर, आर का वैल्यू क्या है, एम वी बाय क्यू बी. अभी उसने मोमेंटम दिया है, मतलब क्या होगा, पी डिवाइडेड बाई क्यू बी आएगा, राइट. तो यहाँ से देखो, अल्फा पार्टिकल एंड
हाइड्रोजन एटम है तो पी का वैल्यू तो कांस्टेंट डी है, बी कांस्टेंट डी है, तो आर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या क्यू है, तो आर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय आर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू ऑफ अल्फा डिवाइड बाय क्यू ऑफ हाइड्रोजन। क्यू ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो वो तो हमें पता है कितना होता है, 2e होता है, एंड हाइड्रोजन क्या ई चला गया, बचा कितना 2 2H2 1, मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो वो गलत क्यों हुआ, हाँ देखो ये सेम क्वेश्चन है ये वाला और वो वाला। अ प्रोटॉन कैरिंग 1 MeV काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग इन अ सर्कुलर, सेम क्वेश्चन है देखो, यूनिफॉर्म व्हाट शुड बी एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ सेम रेडियस इन द सेम फील्ड। ओके करते फिर अभी आराम से सॉल्व करेंगे, तो एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, आर का वैल्यू है एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, राइट। ओके तो अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पर इस केस में, वो वी को पुट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे आर का। उसने बोला है आर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आर ऑफ अल्फा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन वी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय क्यू बी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा वी ऑफ अल्फा क्यू बी ऑफ अल्फा, राइट। इसको ये तरीके के साथ सॉल्व कर दो। अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन एम, वी ऑफ प्रोटॉन पता नहीं, क्यू ऑफ प्रोटॉन क्या होता है ई, एंड बी ऑफ प्रोटॉन बी, बी तो सेम दिया उसने, मास ऑफ अल्फा क्या होता है यहाँ पर 4 EM, वेलोसिटी ऑफ अल्फा वी अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा क्या है 2e इंटू बी, बी बी चला गया एम एम चला गया, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये 2 2 चला गया, तो वी पी इज इक्वल टू क्या रहा है यहाँ पर 2 times ऑफ वी अल्फा रहा है, इसको रहने दो ऐसे ही, तो वेलोसिटी का रिलेशन मिला। अभी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2 चला गया मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है 4m, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है em, वेलोसिटी ऑफ अल्फा बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना है, अल्फा बाय प्रोटॉन देखो 1/2 है ये होगा, तो ये होगा 4 × 1/4 विच इज इक्वल टू 1, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 MeV, ऑप्शन ए इज 1 is अ करेक्ट वन, उसका भी आंसर 1 ही आने वाला था, राइट। अभी ये यहाँ पर ऐसा है कि अल्फा पार्टिकल एंड क्या कहते हैं प्रोटॉन अगर दिए है ना, वो मुझे कैसे समझ में आया कि गलत है, क्योंकि देखो ये कैसी सिचुएशन है ऐसा है कि अगर बोला गया कि अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन है, दोनों का अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बाद में उसके बाद क्या बोला है मैग्नेटिक फील्ड सेम है एंड रेडियस अगर सेम दिया है, तो याद रखो दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहता है, राइट। ये किस में होता है, ये प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए, तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो इतना डिटेल में सॉल्व करते बैठना नहीं है, याद रखो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल दोनों का अगर उसने दिया मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो दिमाग में फिट करो कि उसका एनर्जी भी सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ चार्ज हैविंग क्यू बाई एम इक्वल टू 10^8, तो देखो क्यू बाई एम दिया है कितना है 10^8 है, वेलोसिटी वी दिया है कितना है 3 × 10^5 है, एंटर्स इंटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी दिया है, चलो बी दिया है 0.3 टेस्ला, कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, तो अगेन हमारे पास फार्मूला है कि एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अभी आपको क्यू वी बी साइन थीटा यूज़ करना है, राइट। जनरली थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, इसके पहले तुम लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा कि बी इज परपेंडिकुलर टू बी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर हमेशा परपेंडिकुलर था, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया नहीं, कुछ एंगल दिया है, तो आपको एंगल कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो वी वी तो चला गया, हमें क्या पूछा है रेडियस ना, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी साइन थीटा, तो देखो आपके पास क्यू बाई एम है, वी है, बी है, थीटा है, तो आर निकाल सकते हो ना, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हाँ, पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू काइनेटिक एनर्जी टी एंटर्स ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी After 3 seconds, the kinetic energy of the particle will be AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, क्या दिया है देखो, kinetic energy पूछा है, तो kinetic energy का तो हमारे पास formula है, क्या होता है formula, 1/2 q² b² r² divided by m square होता है, बट वो mm cancel होगा, तो q constant, b constant, m constant, r भी constant है, तो kinetic energy भी constant रहेगा, तो option A is a correct one, right?
मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। अगेन बेसिक पे वो बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो स्टेटमेंट वाला वैसा ही है। व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियली उसके पास कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। इट स्टार्ट विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहाँ पे पूरा डायरेक्शन का खेल है, देखते हैं कैसा है। तो हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर यस, तो ये आपका डायरेक्शन ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, राइट। उसने क्या बोला है कि एक प्रोटॉन को रिलीज किया, इट स्टार्ट विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। तो देखो प्रोटॉन को रिलीज किया, प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज कितना ई, वो इधर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए नॉट। तो देखो वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एफ ई वैक्टर प्लस एफ एम वैक्टर लगेगा, राइट। अभी पहला सिचुएशन में, पहला सिनेरियो देखो, उसने बोला है कि यू का वैल्यू जीरो है, मतलब एफ एम का मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू तो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब उसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा, वो कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्यू इंटू ई, मतलब ई इंटू ई होगा, ये होगा आपका एफ का वैल्यू। अच्छा, और एक पॉइंट समझ के ले लो, प्रोटॉन ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर अगर ये वेस्ट साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, लेफ्ट साइड पे ही होगा, राइट, वेस्ट में। तो ये जो फोर्स है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई इंटू ई, एक्सेलरेशन उसने दिया ए नॉट, तो ए नॉट का वैल्यू क्या आएगा, ई ई डिवाइडेड बाई एम, राइट। तो क्या है देखो, अच्छा उसने पूछा क्या है, एक्सेलरेशन नहीं पूछा, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इज इक्वल टू एम ए नॉट बाई ई, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, तो एम ए नॉट बाई ई वेस्ट, वेस्ट, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो गलत है। अभी है मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ विद अ वेलोसिटी वी नॉट, इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन थ्री वी ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया प्रोटॉन को विथ वेलोसिटी वी नॉट टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये जा रहा है इधर विथ एक्सेलरेशन थ्री ए नॉट, राइट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है वहाँ पर, उसके साथ साथ अभी मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। अभी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक वेक्टर प्लस एफ मैग्नेटिक वेक्टर। तो एफ इलेक्ट्रिक वेक्टर कितना है, वो तो उसका तो हमारे पास फार्मूला है, वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो एम ए नॉट है प्लस एफ मैग्नेटिक वेक्टर। देखो अच्छा, इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट में, मैग्नेटिक देखो एफ बी आई। अभी उसने देखो आपको क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन दिया है, बाद में वेलोसिटी एफ बी आई, वी किधर जा रहा है ऊपर, फोर्स किधर है इधर, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड मदर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और उसका वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू एफ एम मान लो फॉर टाइमिंग, एंड एफ का वैल्यू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो उसका एम है, एक्सेलरेशन कितना है, थ्री ए नॉट है। मतलब अगर हम लोग एफ एम देखें उसका स्केलर फॉर्म, तो ये आएगा 2m a नॉट आएगा। अच्छा ये एफ एम का वैल्यू क्या है, क्यू वी बी इज इक्वल टू 2m a नॉट, तो जो b है उसका वैल्यू आएगा 2m a नॉट बाय क्यू वी। तो पूछा यही है ना, हाँ ओके। अभी देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया 2m a नॉट बाय क्यू, मतलब e, 2m a नॉट बाय ev किधर है, अंदर, अंदर मतलब डाउन। तो देखो ऑप्शन देखो कि ऑप्शन ए बी, ए एंड बी में से कोई तो आने वाला है, उसमें से डाउन, डाउन कौन है, ये आपका बी। मैग्नीट्यूड देखो 2m a नॉट बाय ई वी है, ई वी नॉट, राइट। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, समझे, ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अभी ये जो सेक्शन है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज खत्म हो गया, अभी स्टार्ट होता है
मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर, जो जिसका फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, वेर आई इज करंट, एल इज लेंथ, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन है, उसके बाद 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 21, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इफ बोथ ऑफ देम कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट इन सेम डायरेक्शन, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर्स विल बी। तो इसके लिए तुम्हें याद रखना है कि अगर आपके पास दो वायर है, दोनों में से करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगता है उसका वैल्यू है म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय 2π d। एंड ये फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट है ना, तो याद रखो वहाँ पर होगा अट्रैक्शन, राइट। एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, रिपल्शन। इतना याद रखना है, सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, टू लॉन्ग पैरेलल वायर एट डिस्टेंस डी, डी दिया है आपको, बोथ ऑफ देम कैरी करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू सेम डिवाइड बाई 2π। अच्छा, म्यू नॉट का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2π, तो ये चला गया, तो ये कितना आएगा, 2 × 10⁻⁷। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं अभी, तो पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे 3 क्वेश्चन है आपके यहाँ पर अभी। अ क्लोज लूप पी क्यू आर एस कैरिंग अ करंट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट पी एस एस आर आर क्यू आर एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर F1, F2, F3 are in the plane of the paper and along the direction shown, the force on the segment QP is। तो याद रखो, जब भी एक लूप को आप लोग क्लोज लूप को आप लोग एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, हाँ, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका वैल्यू, नेट फोर्स का वैल्यू ज़ीरो होता है। तो नेट फोर्स का वैल्यू अगर ज़ीरो है, इसका मीनिंग क्या है देखो, ये आपका जो नेट फोर्स कितना है, इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो पी एस के ऊपर एफ वन वैक्टर है, प्लस ये एफ टू वैक्टर, प्लस एफ थ्री वैक्टर, प्लस ये एफ फोर वैक्टर, सबका वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो। ये एफ फोर इसके ऊपर लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मान लेना, राइट। तो इसका डायग्राम मैं अलग से बनाता हूँ। उसने पूछा है कि पी क्यू के ऊपर, अरे पी क्यू के ऊपर क्या आएगा, सेटिंग चेंज हो गया चेंज, हाँ। तो देखो यहाँ पर आपको ये डायग्राम कैसे दिया है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर ऐसा, इसके ऊपर तो F1 है, ये तो इधर F2 है, F3 है, ये इधर F2 है, ये इधर मैंने माना F4 हमें निकालना है। तो जब सिंपल क्या करो, इसको रिजॉल्व करो। देखो रिजॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, ये एंगल थीटा मानेंगे, तो एफ फोर कॉस थीटा, एफ फोर साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर क्या है देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो इधर एफ थ्री, इधर क्या है एफ टू है, इधर क्या है, और इधर एफ टू है, इधर एफ वन है, और इधर क्या है, इसको रिजॉल्व किया हम लोगों ने एफ फोर कॉस थीटा साइन थीटा में, तो ये आएगा एफ फोर साइन थीटा, एंड ये आएगा एफ फोर कॉस थीटा, राइट। तो हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो, मतलब एक्स में भी ज़ीरो होगा, वाई में भी ज़ीरो होगा। तो एफ थ्री इज इक्वल टू क्या है, एफ वन प्लस एफ फोर कॉस थीटा है, राइट। वाई में ज़ीरो है, तो एफ टू इज इक्वल टू क्या है, एफ फोर साइन थीटा है। अभी मुझे चाहिए एफ फोर का वैल्यू, तो कैसे मैं सॉल्व करूँ इसको, हाँ एफ फोर चाहिए ना, तो ओके। तो देखो ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एफ थ्री माइनस एफ वन इज इक्वल टू एफ फोर कॉस थीटा, ऊपर वाले इक्वेशन को। नाउ ये इक्वेशन वन एंड ये इक्वेशन टू मान लो, दोनों इक्वेशन को स्क्वेयर करके तुम लोग ऐड कर देना। तो लेफ्ट साइड पे जो आपका एफ फोर साइन थीटा है, देखो क्या होगा, एफ फोर का स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर होगा, वो क्या होगा, वन। एंड इधर क्या आएगा, एफ टू का स्क्वेयर प्लस
F3 माइनस F1 का स्क्वायर, मतलब F4 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ F2 का स्क्वायर प्लस F3 माइनस F1 का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। समझे? थोड़ा सिर्फ याद रखो कि मैग्नेट फोर्स कितना आता है, वहाँ पर जीरो आता है। अ करंट कैरिंग क्लोज लूप इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी इज प्लेस इफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म बी सी इज एफ द फोर्स ऑन द आर्म ए सी इज। तो देखो क्या दिया है, देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच एक्ट अलॉन्ग द लाइन ए बी। तो ऐसे है, ऊपर ले लो नीचे ले लो डजेंट मैटर, अभी तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए कुछ मैटर नहीं करेगा, आंसर सेम आने वाला है। तो इधर ए बी के अलॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग, अच्छा इसमें से करंट जा रहा है मान लो ऐसे आई, इधर जा रहा है आई, इधर जा रहा है आई। इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म बी सी इज एफ द फोर्स ऑन द आर्म ए सी इज। तो देखो कि फोर्स ऑन आर्म ए बी कितना आएगा वो पहले देखो। फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, आई एल बी साइन थीटा। एल देखो ऐसा है, बी भी ऐसा है, दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना जीरो, जीरो मतलब एफ ए बी कितना जीरो। एफ बी सी कितना है देखो, अभी यहाँ पर एफ बी सी वैक्टर का बी एफ बी सी का वैल्यू कुछ ना दिया उसने, इफ़ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म बी सी इज एफ, राइट, मैग्नेट डायरेक्शन रहने दो उसका बाद में देखेंगे। एंड हाँ अच्छा उसको एफ वैक्टर ही मान लो, एंड पूछा है कि ए के ऊपर क्या आएगा, तो एफ ए सी का वैल्यू क्या आएगा, हमें पता है कि नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो नेट फोर्स का वैल्यू अगर जीरो है तो एफ ए बी वैक्टर प्लस एफ बी सी वैक्टर प्लस एफ ए सी वैक्टर, ये तीनों का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ए बी का वैल्यू तो क्या है, जीरो, तो यहाँ पर एफ ए सी वैक्टर का वैल्यू क्या आएगा, माइनस एफ बी सी वैक्टर, तो ये होगा माइनस एफ वैक्टर, माइनस एफ वैक्टर मीन्स ऑप्शन सी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्क्वेयर करंट लूप इज सस्पेंडेड, पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन क्या दिया है देखो। नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग थ्री आर्म्स ऑफ द लूप इज, इफ द फोर्स ऑन वन ऑफ द आर्म इज एफ वेक्टर द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग थ्री आर्म ऑफ द लूप इज। सॉल्व करोगे ये वाला क्वेश्चन, सेम है इसके पहले वाला और ये क्वेश्चन सेम है, स्क्वेयर करंट लूप दिया है। चलो नेक्स्ट, अ मेटालिक रॉड, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखो सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लेना क्वेश्चन। अ मेटालिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 किलोग्राम पर मीटर दिया, एम बाय लेंथ दिया है आपको 0.5 किलोग्राम पर मीटर, लाइंग हॉरिजेंटली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना 0.25 टेस्ला एक्ट्स इन वर्टिकली डाउन डायरेक्शन। तो ये अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, द करंट फ्लोइंग द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी इज। तो क्या दिया है देखो आपको, वेर इज द ट्रायंगल, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, चलो बनाएंगे एक आपको ऐसे, देखो इनक्लाइन प्लेन दिया है, राइट, बोला है कि ये वाला जो एंगल है कितना है 30 डिग्री, इसके ऊपर हम लोगों ने रॉड को रखा, तो एक रॉड को मैंने ऐसे रखा मान लो, राइट, तो जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके अंदर क्या जा रहा है, रॉड जा रहा है, इसमें से करंट बाहर भी आ सकता है अंदर भी जा सकता है, द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन, ओके। तो देखो कि अभी ये इसका मास यम है, राइट, तो इसके ऊपर ग्रेविटी अपना काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना काम कर रहा है वो देखेंगे, पहले वो तो देखेंगे कि नीचे क्यों आ रहा है, ग्रेविटी अपना काम कर रहा है कितना mg, तो हमें पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, तो इसके ऊपर इधर क्या लगेगा mg साइन थीटा लगेगा, तो ये mg साइन थीटा की वजह से नीचे आने वाला है, राइट। अभी उसने बोला है कि उसको स्टेशनरी रखना है, तो बोलो कि वहाँ पर मैग्नेट करंट कितना पास होना चाहिए उसमें से, तो ये mg साइन थीटा की वजह से नीचे आ रहा है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर लगना चाहिए, एम जी साइन थीटा के अपोजिट में लगना चाहिए, राइट। तो देखो आपको बोला है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कौन लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है,
उसने अप डाउन कुछ दिया नहीं, सिर्फ वर्टिकल बोला है, तो ऊपर ले सकते हो नीचे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। अभी देखो यहाँ पर करंट आप लोग अंदर मान सकते हो, बाहर मान सकते हो, तो एफ बी आई, बी तो किधर है, ऊपर है। करंट को अगर मैंने बाहर की तरफ माना सपोज, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, मतलब एम जी साइन थीटा का, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है उधर लगेगा। तो एम जी साइन थीटा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, मैग्नेटिक फोर्स भी नेगेटिव एक्स में लग रहा है, तो वो और ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा। अगर मैंने ऐसा माना कि एफ बी है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट अंदर जा रहा है, आ तो फोर्स किधर लगेगा, प्लस एक्स में। तो देखो मैंने क्या माना कि करंट किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर, राइट। ये एंगल कितना, थीटा। अभी इसको रिजॉल्व करो तो ये क्या आएगा, एफ एम कॉस थीटा आएगा। अगर ये स्टेशनरी है तो अलॉन्ग द इनलाइन नेट फोर्स क्या आना चाहिए, ज़ीरो, मतलब एफ एम कॉस थीटा का वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। अच्छा एफ एम का वैल्यू क्या होगा, तो आई एल बी होगा, राइट। आई एल बी इज कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर देखो आई 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 तो निकालना है, एक मिनट, हाँ आई का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। लेंथ कितना दिया है पता नहीं, अच्छा एम बाई एल दिया है ना, तो लेंथ को राइट साइड पे लेके जाओ। बी कितना दिया है उसने, 0.25, मतलब 1/4। कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, रूट 3/2। एम बाई एल कितना दिया है, 1/2। इंटू जी कितना, 10। इंटू साइन 30 कितना, 1/2। तो ये 1/2, 1/2, 1/4 चला गया। तो ये आई का वैल्यू क्या आएगा, 20/√3। तो √3 कितना होता है, 1.7, तो 20/1.7। तो अगर 1.7 को मैं अगर मान लो 2 मान लेता हूँ, तो 20/2 कितना आएगा, 10। तो आंसर 10 से ज़्यादा ही आने वाला है, 20/1.7। तो ये 11.76 है क्या कोई ऐसा, तो हमारा आंसर है 11. ये एक्चुअल में ये सॉल्व करोगे तो 11.76 ऐसे आसपास है, तो ये 11.32 एम्पियर हम लोग ले सकते हैं, राइट। दो अप्रोक्सीमेशन किए हम लोगों ने, यहाँ पर जी का वैल्यू 10 माना है और रूट थ्री को 1.7 माना है मैंने, एक्चुअल में रूट थ्री का वैल्यू उससे ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 26 नीट 2017 का क्वेश्चन है, पढ़ लेना। एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर कैरिंग सेम करंट अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी इज गिवन बाय, करें फिर सॉल्व इसको, कैसे सॉल्व करें। हमें पता है कि अगर दो पैरेलल वायर है, दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, एंड दोनों के अंदर से सेम डैश में करंट जा रहा है, तो दोनों वायर अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फोर्स का वैल्यू क्या है, एफ बाई एल का वैल्यू होता है उसने, हाँ एफ बाई एल का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई डी। उसने दोनों करंट सेम दिया है तो म्यू नॉट आई स्क्वायर मान लेता हूँ, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू पाई डी। अभी उसने मिडल वायर के ऊपर बोला है, तो मिडल वायर के ऊपर फोकस करना तुम लोग। तो देखो मिडल वायर के ऊपर वायर ए क्या करेगा, फोर्स लगाएगा तो वो अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्ट होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो ये फोर्स एफ है मान लो। एंड बी के ऊपर सी की वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा, वो भी कितना लगेगा, एफ, क्योंकि सेम करंट है, सेम डिस्टेंस है, राइट। तो दोनों फोर्स का एफ, तो ये जो एफ पर यूनिट लेंथ है, हालांकि वो कितना है, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू पाई डी, यहाँ पर तो लिखा है मैंने। तो देखो इधर एक फोर्स लग रहा है एफ पर यूनिट लेंथ, इधर एक लग रहा है एफ पर यूनिट लेंथ, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस नेट फोर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेट फोर्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, दैट इज रूट टू एफ बाई एल। तो ये आएगा रूट टू म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पाई डी, तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू पाई डी। तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय रूट टू पाई डी मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, समझे। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 27 ही सॉल्व कर लेते हैं, 28 आप लोग होमवर्क ले लेना। हाँ
A square loop ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying current I. Net force on the loop is. तो step by step solve करेंगे. देखो आपके पास एक XY conductor है जिसमें current जा रहा है ऊपर X to Y. तो वो XY conductor अपना magnetic field produce करेगा. तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, देखो ऐसे इधर आएगा अंदर की तरफ. तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता चला कि अंदर की तरफ है, राइट. अभी ए बी वायर जो है, देखो ए बी वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर. उसका वैल्यू मैं बी वन मान लेता हूँ. सी डी के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी टू. मैं अंदर बी टू मान लेता हूँ. तो ये बी वन बी टू का वैल्यू कितना आएगा वो पहले फाइंड करेंगे. बी वन का वैल्यू, अच्छा ये बी वन बी टू किसकी वजह से, एक्स वाई वायर की वजह से. वो होगा कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई डी, और डिस्टेंस कितना है एल बाई टू. तो ये कितना आएगा, टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई एल. इसको ऐसे ही रखो. बाद में बी टू जो है, बी टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई डी. डी कितना है देखो, एल बाई टू प्लस एल, थ्री एल बाई टू. तो ये क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई एल. इसको ऐसे ही रखो. ओके अभी देखो वायर ए बी, ए बी में करंट किधर जा रहा है, ऊपर. एफ बी आई, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर लगेगा. तो वायर ए बी के लिए जो फोर्स लगा किधर लगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, एफ वन मान लो. सी डी के लिए देखो एफ बी आई, बी अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड राइट में. तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स राइट में लगा. बी सी एंड ए डी देखो, बी सी के लिए क्या है, एफ बी आई, बी किधर, अंदर, करंट किधर, राइट में, फोर्स किधर, ऊपर लगेगा. एंड ए डी के लिए नीचे लगेगा. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है, सेम डिस्टेंस पे. तो बी सी एंड ए डी के फोर्स को कैंसिल करने वाले. तो इसके ऊपर फोर्स कितने लगे, दो, एक है एफ वन एक है एफ टू. एफ वन का वैल्यू कितना है देखो, एफ वन का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, आई एल बी. तो ये आएगा आई, करंट आई, लेंथ कितना है उसका, एल है. मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी वन, वो क्या है, टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई एल है, राइट. एंड जो आपका, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एफ वन, पहले एफ टू सॉल्व कर लेते हैं. एफ टू क्या आएगा, आई, लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, टू बाई थ्री म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई एल. तो देखो ये एफ वन में से एल एल कैंसिल हो गया, टू टू भी कैंसिल हो गया. ऊपर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट बड़ा आई डिवाइडेड बाय इनटू छोटा आई डिवाइडेड बाय पाई, राइट. एफ टू में देखो क्या आएगा, म्यू नॉट बड़ा आई, अच्छा ये एल एल कैंसिल होगा, टू टू कैंसिल होगा, बड़ा आई छोटा आई डिवाइडेड बाय थ्री पाई. तो ऑब्वियस है कि एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, देखो एज F1 is greater than F2, तो नेट फोर्स का वैल्यू होगा F1 minus F2. तो ये आएगा म्यू नॉट आई आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू वन माइनस वन बाई थ्री. तो ये क्या आ जाएगा, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन इज टू बाई थ्री. तो टू बाई थ्री म्यू नॉट आई आई बाई पाई, तुम टू बाई थ्री म्यू नॉट आई बाई पाई, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन. और किधर लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है. तो आप लोग, यहाँ पर हम लोग ने मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया, डायरेक्शन भी फाइंड किया. तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. सेम क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर आपको बताना है कि अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा रिपल्सिव. सेम डायग्राम है, सेम टाइप का क्वेश्चन है. नेक्स्ट 29, बड़ा लेक्चर हो रहा है ना आजकल ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर. चलो रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ एल एंड वीट, लेंथ 0.12, वीट 0.1 मीटर. तो हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं. एरिया क्या आएगा, ये 12 इंटू टू टेन टू द पावर माइनस टू, 1 इंटू टेन टू द पावर माइनस वन, मतलब 12 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर स्क्वेयर. नंबर ऑफ टर्न्स आर 50. इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है, 0.2 टेस्ला है.
carries a current of kitna 2. If the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree, the torque required to keep the coil in stable equilibrium is. तो देखो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, एम बी साइन थीटा, राइट। बाद में एम का वैल्यू क्या होता है, आई एन ए। तो आपके पास आई है, एन है, ए है, बी है, थीटा है। सॉल्व कर सकते हो ना तुम लोग, इजी है, होमवर्क ले लो, सॉल्व करो, राइट। एंड अगर मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ तो आपको सॉल्व करना है, देखो कंपलसरी। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई चेक नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। अ कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट सच दैट इट्स इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल इफ ड्यू टू करंट आई इन द ट्रायंगल अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द साइड। तो हमारे पास क्या है, देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये नॉर्थ पोल है, ये वाला क्या है, साउथ पोल। इसके बीच में हम लोगों ने एक कॉइल को रखा, राइट, एक ट्रायंगुलर कॉइल को। उसका साइड एल है, इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। तो आपसे बोला गया कि बोलो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क कुछ ना कुछ लग रहा है टॉर्क, तो साइड एल कितना आएगा। अच्छा टॉर्क ऑन अ कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू अगेन अपना वही फॉर्मूला, एम बी साइन थीटा, राइट। एंड एम क्या होता है, देखो tau इज इक्वल टू आई एन ए बी साइन थीटा। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कुछ दिया नहीं, तो हम लोग वन मानेंगे, करंट आ है। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वो एरिया यहाँ पे पुट करो, वो लेंथ के फॉर्म में आएगा। एंड अच्छा ये साइन देखो, tau इज इक्वल टू करंट आए, एरिया निकालो मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड साइन थीटा तो का वैल्यू तो वन आएगा। एंड यहाँ से एरिया पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो लेंथ का वैल्यू आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो सॉल्व करो आप लोग, राइट। यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, हालांकि भी वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, एक मिनट, हाँ, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिया, ये भी आई थिंक ये आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। 2000 टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली दिया है 1.5 × 10⁻⁴, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 5 × 10⁻²⁺ टेस्ला, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, द टॉर्क ऑन एक्टिंग ऑन द सोलेनॉइड इज, tau इज इक्वल टू क्या है, एम बी साइन थीटा। तो tau इज इक्वल टू एम क्या है, आई एन ए बी साइन थीटा, राइट। बी ना साइन थीटा याद रखो, सब कुछ है, सॉल्व करो, सिर्फ डेटा पुट करना है ना। चलो तो देखो टॉर्क के ऊपर आप लोग ऑब्जर्व करना पॉइंट, टॉर्क के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या दिया है, ऑप्शन पढ़ो एक बार। Experiences the torque, can be in equilibrium, can be equilibrium in two orientation, can be equilibrium in two, हाँ solve करते, देखो torque and equilibrium का कुछ तो उसने relation दिया है। तो tau का value क्या होता है, tau is equal to mb sin theta होता है। अभी ये टॉर्क के हम लोग तीन वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करेंगे, जस्ट एक मिनट रुकना तुम लोग। हाँ तो टॉर्क के हमारे पास तीन वैल्यू है, हाँ थीटा के, थीटा में एक तो मान लेता हूँ 0 डिग्री, थीटा में मान लेता हूँ 90 डिग्री, थीटा में मान लेता हूँ 180 डिग्री। तो थीटा जो जीरो है तो टॉर्क कितना आएगा, जीरो, ये क्या आएगा, एम बी आ जाएगा। थीटा 180 है तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो। तो थीटा जीरो है तो टॉर्क भी जीरो है, तो जब भी टॉर्क है नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो है मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। अभी स्टेबल है अनस्टेबल, तो याद रखो कि उसका एनर्जी अगर मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, राइट। एंड अगर उसका एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है।
तो अगर हम लोग एनर्जी का बात करेंगे तो देखो एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, थीटा का वैल्यू अगर जीरो पुट करता हूँ तो U का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस जीरो इज वन माइनस एम बी। थीटा का वैल्यू अगर मैं 90 पुट करता हूँ तो U का वैल्यू आ जाएगा ज़ीरो, एंड थीटा का वैल्यू अगर मैं 180 पुट करता हूँ तो U का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस एम बी, राइट। तो देखो एनर्जी मैक्सिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम है तो कहाँ गए, हाँ एनर्जी मिनिमम है मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी मैक्सिमम है मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड एनर्जी दोनों के बीच में आ रहा है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखो उसने क्या बोला है, कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, पहला ओरिएंटेशन है स्टेबल वाला, दूसरा ओरिएंटेशन है अनस्टेबल वाला। इक्विलिब्रियम कैसे समझ में आएगा, थीटा जीरो, टॉर्क जीरो है तो इक्विलिब्रियम में, और वो क्या है, एक स्टेबल है और एक क्या है, अनस्टेबल है, राइट। ओके मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अ 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड विथ 1.25 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया है 250, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर, विड्थ दिया है 1.25 सेंटीमीटर, आप लोग एरिया फाइंड कर सकते हो, करंट कितना दिया है 85 माइक्रो एम्पियर, सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.85 टेस्ला, वर्क डन आपसे पूछा है। तो देखो अगेन ये भी आपको होमवर्क रहेगा, वर्क डन क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, एंड यू का फॉर्मूला क्या होता है, यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो आपको देखो आपके पास, अच्छा यम निकालना है तो यम क्या होता है वो तो पता, आई एन ए, तो लेंथ एंड विड्थ दिया तो एरिया निकालो तो यम आ जाएगा, बी है थीटा। हाँ वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री, तो आपको पहले थीटा का वैल्यू जीरो मानना है एंड बाद में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री मानना है। तो उसके लिए आप लोग यू वन फाइंड करो कितना आएगा, बाद में यू टू फाइंड करो कितना आएगा, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34। इफ़ नंबर ऑफ टर्न एरिया एंड करंट थ्रू गिवन आर रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक मोमेंट इज, डायरेक्टली फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू एन आई ए, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड विद एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट इज, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आई इंटू ए। तो अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में तो उसका करंट कितना होता है, ई बाई टी, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। अभी ये टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू पाई आर डिवाइडेड बाई वी इंटू पाई आर स्क्वेयर, पाई पाई चला गया, आर आर चला गया, तो ये क्या आएगा, ई वी आर बाई टू, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक फोर्स। ये लास्ट लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, लगभग हम लोगों ने आज 35 लास्ट लेक्चर में, गैल्वेनोमीटर के 12, उसके पहले 15, तो एक 60 के आसपास हम लोगों ने, 50 से 60 के आसपास हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए। सबका अच्छे से नोट्स बना लो, सारे फॉर्मूला लिख के रखना। बस करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।